Very good morning, my dear students, and you are welcome in the online tutorial of Par Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Par Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, now today's topic is self-inductance. बेटा सेल्फ इंडक्टेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सेल्फ इंडक्टेंस को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो करेंगे कैपिटल एल से. इससे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे. बहुत सिंपल है. सेल्फ इंडक्टेंस की दो डेफिनेशन हमारे सामने आएंगी. देखते हैं कौन कौन सी डेफिनेशन है. जो सी तुम्हें अच्छी लगती है वो डेफिनेशन तुम कर सकते हो. चलिए पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ. ये बेटा हमने एक डायग्राम बनाया. यहाँ पर जो ये सॉलिनॉइड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये जो सॉलिनॉइड स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड इंडक्टर. इसको इंडक्टर बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड द इंडक्टर. ये भी एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है. जैसे रेजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है, ऐसे ही एक इंडक्टर होता है. दैट इज कॉल्ड इंडक्टर. अब जैसे ही बेटा मैं इसमें से करंट क्रॉस करूंगा, करंट पास करूंगा, ध्यान से देखना, जैसे ही इसमें से करंट पास होगा, ये एक बैटरी लगी हुई है, तो मान लेते हैं कि ये बैटरी मुझे 5 एम्पीयर का करंट दे सकती है. मैक्सिमम वैल्यू कितनी प्रोवाइड कर सकती है ये बैटरी? 5 एम्पीयर मैक्सिमम वैल्यू दे सकती है. बट जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूँ बेटा, तो स्विच ऑन करते ही 5 एम्पीयर करंट नहीं मिलेगा. तुम्हें धीरे धीरे करंट मिलेगा. करंट धीरे धीरे इंक्रीज करेगा. ठीक है, ध्यान से समझना इसको. बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी डेफिनेशन पेपर में आती है, सीबीएसई में पूछी जाती है डेफिनेशन. समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे ही मैं यहाँ पे स्विच ऑन करूंगा, 5 एम्पीयर बैटरी मैक्सिमम करंट दे सकती है, बट ये 5 एम्पीयर एक साथ नहीं दे देगी, धीरे धीरे करंट इंक्रीज करेगा. अब मुझे पता है कि जैसे ही करंट पास होगा तो सर्कुलर कॉइल में से जैसे ही करंट पास होगा तो सर्कुलर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. क्यों? सर्कुलर कॉइल में अगर मेरा करंट क्रॉस करेगा तो बेटा इसमें एक नॉर्थ पोल बनेगा और इसकी बैक साइड में साउथ पोल बनेगा. अगर यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नॉर्थ पोल होगा. ठीक है, करंट का जो क्लॉकवाइज होता है तो ये साउथ पोल होता. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर एक सर्कुलर कॉइल में हम करंट को पास करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो वो एक मैग्नेट बनेगा, डाइपोल बनेगा प्रॉपर. और मैग्नेट बनने के कारण क्या होगा कि उसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड आगे वाली कॉइल के साथ लिंक करेगा. ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आगे वाली कॉइल के साथ लिंक करेगा. समझ आया पॉइंट? अब ये करंट जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा, जैसे स्टार्टिंग में करंट 1 एम्पीयर था मान लो, जैसे जैसे करंट इंक्रीज करता जाएगा, मान लो स्टार्टिंग में करंट था 1 एम्पीयर, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें मैग्नेटिक फील्ड बना और आगे वाली कॉइल्स के साथ लिंक कर गया. फिर पहले इन कॉइल्स के पास क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड था? कोई लाइन टच कर रही थी इनको? आंसर है पहले जब बैटरी का स्विच ऑफ था तो इन कॉइल्स को कोई भी लाइन टच नहीं कर रही थी. जैसे स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही इसके अंदर करंट फ्लो हुआ. करंट फ्लो होने से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना और वो मैग्नेटिक फील्ड आगे वाली कॉइल्स को लिंक कर गया. तो हम सब जानते हैं कि बेटा अगर ये मैग्नेटिक फील्ड आगे कॉइल्स को लिंक कर रहा है तो ये कॉइल्स इनको क्या करेंगी? ये कॉइल्स इनको अपोज करेंगी. कल हमने पढ़ा था ना कि ये इसको अपोज करेंगी. क्यों? उनके पास कोई मैग्नेटिक लाइंस नहीं थी, जीरो थी. अब तुमने उसको मैग्नेटिक लाइंस टच कर दी है, लिंक कर दी है, वो चाहेंगी अभी भी मैग्नेटिक लाइन से लिंक ना करें तो वो एक ऑपोजिट फील्ड बनाएंगे. ये होता है बेटा अप्लाइड फील्ड. दिस इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड
जो करंट के कारण बनता है, कौन से करंट के कारण बनता है? ये आई करंट, ये भी अप्लाइड करंट है, दिस इज द अप्लाइड करंट, ये एक अप्लाइड करंट है बेटा। ठीक है, ये करंट तुमने दिया, तुम्हारे इस करंट के कारण इसने एक मैग्नेटिक फील्ड बना और वो मैग्नेटिक फील्ड आगे कॉइल्स को लिंक कर गया। कॉइल्स चाहती है कि उसको कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लिंक ना करे, तो वो एक ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, ये लाइक दिस, ये एक ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं, और इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों बना? ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को काटने के लिए बना, उसको कैंसल आउट करने के लिए बना, क्योंकि हमारी कॉइल में जो लिंकिंग हो रही है करंट पास करने के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो मैग्नेटिक फील्ड लिंक करता है, तो उनको वो जो चेंज आ रहा है वो चेंज एक्सेप्टेबल नहीं है हमेशा, तो वो उस चीज को अपोज करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम करंट इंक्रीज करते हैं, क्योंकि बैटरी है, करंट धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, मैक्सिमम कहां तक कर पाएगी वो अपने करंट को 5 एम्पीयर तक। जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने से क्या होगा? लिंकिंग इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन इंक्रीज होंगी, अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन इंक्रीज होंगी तो लिंकिंग भी इंक्रीज होगी, लिंकिंग भी इंक्रीज होगी तो अपोजिशन बढ़ जाएगा, अब वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो तो अपोज करता रहेगा। तो जब 5 एम्पीयर मैक्सिमम करंट फ्लो करने लगेगा, थोड़ी देर के बाद हम क्या देखेंगे, ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डिसअपीयर हो गया, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि 5 एम्पीयर करंट जब इसमें लगातार फ्लो करता रहेगा, अब करंट चेंज नहीं हो रहा, पहले करंट चेंज हो रहा था, जैसे 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, तो जब जब चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ लाइन इंक्रीज कर रही थी, इंक्रीज और डिक्रीज के टाइम पर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बनता है, पर इंक्रीज और डिक्रीज के टाइम पर वो अपोज करती है कॉइल। ठीक है, तो ये कॉइल, बहुत सारी कॉइल्स को क्या बोलते हैं? इंडक्टर। इज इट क्लियर? अब बेटा जब 5 एम्पीयर करंट उसमें लगातार फ्लो करने लगेगा, तो थोड़ी देर के बाद उसको 5 एम्पीयर करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी हैबिट हो जाएगी। जैसे ही उसको हैबिट होगी, हैबिट होने के बाद क्या होगा? हैबिट होने के बाद वो अपोज करना बंद कर देगी। फिर कब अपोज करेगी? मुझे इसका आंसर बताइए, फिर कब अपोज करेगी वो? फिर वो अपोज करेगी जब तुम स्विच ऑफ करोगे। स्विच ऑफ करने पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो डिक्रीज होगी तो अब वो चाहती है कि डिक्रीज ना हो, फिर वो ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो ये सारा फंडा है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस में। तो इसको एक बार पढ़ते हैं, इसको न्यूमेरिकली देखते हैं कि न्यूमेरिकली इसको कैसे समझा जाए। Yes, no. चलिए बेटा न्यूमेरिकली इसको देख लेते हैं, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, फिर हमें इसकी डेफिनेशन भी लिखनी होती है, नोट्स में मिल जाएंगे, लिंक कर दूंगा नोट्स में, तो एक बार बस समझ लो बेटा इसकी डेफिनेशन कैसे बनती है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि बेटा अगर मैं फ्लक्स की बात करता हूँ तो फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है? फ्लक्स चेंज होगा किसकी हेल्प से, जल्दी से बताइए, फ्लक्स किसकी हेल्प से चेंज होगा? फ्लक्स किसकी हेल्प से चेंज होगा बताओ भाई? अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड किसकी हेल्प से चेंज हो रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, किस पे प्रोपोर्शनल है? करंट। पॉइंट इज क्लियर टू यू? से यस और नो। एक सेकंड होल्ड रखना बेटा। यस नाउ देखिएगा बेटा, चलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर हम करंट को चेंज करेंगे तो बेटा क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मतलब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। जितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा उतना ऑपोजिशन ज्यादा होगा, मतलब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज्यादा बनेगा। कब तक बनेगा? जब तक तुम चेंज करोगे करंट को, करंट धीरे 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 इंक्रीज करेगा तब ये अपोज करेगा, या करंट जब डिक्रीज करेगा तब ये अपोज करेगा, जब करंट कॉन्स्टेंट हो जाएगा तब ये अपोज करना बंद कर देगा, क्योंकि इसको उसकी हैबिट हो जाएगी। किसको अपोज करता है? ये चेंज को अपोज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है तो
तो हम किसका चेंज देखते हैं, हम देखते हैं कि फ्लक्स में कितना चेंज आया। फ्लक्स का मतलब सबको पता है, फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक्ड विद द कॉइल, कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आई के प्रोपोर्शनल है तो दिस इंप्लाइज फ्लक्स भी आई के ही प्रोपोर्शनल होगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर ज्यादा होगा तो फ्लक्स तो भी ज्यादा होगा ना, जितना करंट ज्यादा होगा उतना फ्लक्स ज्यादा होगा, ठीक है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू प्रोपोर्शन का साइन लगा देंगे, सेल कंडक्टेंस का कांस्टेंट होता है L, तो यहां लगा देंगे L इज इक्वल टू I। तो ये सबको क्लियर हुआ, एक तो बेटा ये फार्मूला बनेगा यहां पे तुम्हारा, यहां से L फाइंड आउट करो, L क्या आ जाएगा बेटा phi डिवाइडेड बाय I। तो अगर मैं यहां पर लिख देता हूं L I इज इक्वल टू 1 एंपियर, अगर I 1 एंपियर है तो दिस इंप्लाइज L इज इक्वल टू phi, तो L इसके बराबर आ जाएगा, phi के बराबर आ जाएगा। नोट्स में डेफिनेशन मिलेगी, डेफिनेशन का डेफिनेशन को रीड कर लेना, ठीक है। डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि सेल्फ इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू द फ्लक्स व्हेन 1 एंपियर करंट विल पास थ्रू दिस इंडक्टर। अगर मैं 1 एंपियर करंट पास करूंगा और उस इंडक्टर 1 एंपियर करंट के कारण जो फ्लक्स जनरेट होगा, जो लिंकिंग होगी इन कॉइल्स में, वो किसके इक्वल हो जाएगी, सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल, ठीक है। ये सिंपल से करना है कि जो हमारा फ्लक्स होता है, फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि फ्लक्स बेसिकली देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ज्यादा लिंकिंग होगी। बट मैग्नेटिक फील्ड को हम लिंकिंग से नहीं लिख सकते, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया, ठीक है बेटा। चलिए यहां तक हो गया, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे का सेकेंड लॉ क्या कहता है बताइए मुझे। फैराडे का सेकेंड लॉ कहता है E इज इक्वल टू माइनस जी फाई बाई डीटी। कल मैंने बताया था चेंज इन फ्लक्स ही क्या होगा, ईएमएफ होगा, लेकिन ऑपोजिट होगा, that is the induced EMF but opposite in direction, कल हो चुकी है ये बातें। तो phi की value बेटा ये भी, phi की value ये भी put कर दो, E is equal to minus G by dt, ये हो जाएगा L I, ठीक है। L constant है तो L को बाहर ले लेते हैं, E is equal to minus L D I by dt। तो बेटा एक definition हमारे पास यहाँ से ही बन सकती है, एक डेफिनेशन तुमने यहाँ से बनाई है एल की, बट ये डेफिनेशन है इतनी प्रैक्टिकल नहीं होगी। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि अगर तुम लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर इसको डिफाइन करने जा रहे हो तो तुम फ्लक्स को कैसे मेजर करोगे, कोई इंस्ट्रूमेंट तो है कि तुम्हारे पास फ्लक्स मेजर करने का, और अगर तुम्हारे पास फ्लक्स मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो तुम एल कैसे मेजर करोगे। तो कहने का मतलब है कि फिजिक्स लैब में इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन को डिफाइन करना या प्रूफ करना मुश्किल है, इसके अकॉर्डिंग बहुत इजी हो जाता है। बिकॉज देखो मैं बताता हूँ कैसे, इसके अकॉर्डिंग क्यों इजी हो जाता है, ये इसको कैसे लिखेंगे, यहां से L की वैल्यू को फाइंड आउट करो, L इज इक्वल टू माइनस E डिवाइडेड बाय डी आई बाई डी टी, यही होगा ना, डिवाइडेड बाय डी आई बाई डी टी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी इज द वर्ड रेट ऑफ चेंज इन करंट, दैट इज द 1 एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। अगर मैं करता हूं इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, अगर डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को 1 एम्पियर पर सेकेंड कर दिया जाए तो L इसके बराबर हो जाएगा, दिस इंप्लाइज यहां लिख दो, तो L हो जाएगा E के बराबर। अब E को मेजर करना तो बहुत इजी है, क्यों, E इज व्हाट, E इज द EMF, EMF को मेजर करना हमने सीख लिया, सेकेंडरी मीटर में वोल्ट मीटर भी यूज कर सकते हैं, बेसिकली पोटेंशियोमीटर भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में पास करूंगा, इस इंडक्टर में 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में पास करूंगा, उस टाइम पर जो इसमें वोल्टेज क्रिएट होगी वो वोल्टेज
वो हम पोटेंशियोमीटर या वोल्टमीटर से मेजर कर सकते हैं और वो वोल्टेज किससे इक्वल होगी, सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगी। दैट इज द मेन पॉइंट। तो ये वाली जो डेफिनेशन होती है बेटा, ये थोड़ी प्रैक्टिकल डेफिनेशन है, तो दोनों डेफिनेशन नोट्स पर तुम्हें मिलेगी, ठीक है? तो तुमने कौन सी लर्न करनी है तुम पे डिपेंड है। अब बेटा अगर हम बात करें कि सेल्फ जो यहां पर हमने ये निकाला है, दिस इज व्हाट, दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई यूनिट भी होता है, इसका एसआई यूनिट होता है हेनरी। क्या इसका एसआई यूनिट होता है? एसआई यूनिट होता है इसका हेनरी, ठीक है? तो बेटा हेनरी को भी डिफाइन तुम दोनों डेफिनेशंस की हेल्प से कर सकते हो। इस डेफिनेशन की हेल्प से भी हेनरी को डिफाइन किया जा सकता है और इस डेफिनेशन की हेल्प से भी हेनरी को डिफाइन किया जा सकता है। तो हेनरी की भी कोई भी डेफिनेशन तुम लर्न करो, इसकी हेल्प से करो या इसकी हेल्प से करो, वो तुम्हें मिलेगा, नोट्स के अंदर मिलेगा। लर्न तुमने कर लिया कि अगर मैं कहता हूं तुम्हें डिफाइन वन हेनरी, तो वन हेनरी को कैसे डिफाइन करोगे? फ्लक्स को कितना कर दोगे? वन वेबर। फ्लक्स का यूनिट कल पढ़ा था ना, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? तो इसको और इसको जब वन वन करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा वन एनर्जी। पॉइंट इज क्लियर? चलिए, सेल्फ इंडक्टेंस क्लियर हो गया तुम्हें? क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस? सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है बेटा, ये कॉइल हमेशा एक बारी करंट का अपोज करती है। ये कॉइल अपने अंदर करंट को फ्लो नहीं होने देती, एक ऑपोजिट करंट बना के उस करंट को कैंसिल आउट करती है। तो ऑपोजिट कौन सा करंट बनेगा? इंड्यूस करंट, ठीक है? तुमने मान लो 1 एम्पीयर अप्लाइड करंट दिया, तो ये 1 एम्पीयर इंड्यूस करंट बना के उसको कट करेगी। क्यों? इसको चेंज अच्छा नहीं लगता, ये चेंज पसंद नहीं करेगी, तो अपोज करने की कोशिश करेगी। तो ये बेटा इंड्यूस करंट का फंडा है, समझना इस चीज को। सेल्फ इंडक्टेंस, ये अपने आप को खुद ही इंडक्ट करता है, अपने आप को खुद ही अपोज करता है, ठीक है? हर एक जितनी भी हमारे पास मोटर है जिनके अंदर वाइंडिंग की जाती है, तो जैसे फैन है, कोई भी मोटर है, तो हर मोटर के अंदर जब हम एक बार करंट पास करते हैं तो वो अपोज जरूर करती है। पॉइंट क्लियर है सबको यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस का? किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हो। इज देयर एनी डाउट?